नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे के बाद जो पैसे पकड़े जाते हैं उसका क्या होता है। देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा की जाने वाली छापेमारी की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती रही। ऐसे में आपके दिमाग में यह बात जरूर आता होगा कि आखिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा जो छापा मारा जाता है उसका क्या होता है। छापामारी के दौरान जो चीज़ें जब्त की जाती हैं उसका इन विभागों के द्वारा क्या किया जाता है। आज हम जानेंगे कि आखिर इन पैसे और सामानों का इन संस्थाओं के द्वारा क्या किया जाता है। बता दें कि ये एजेंसियां पैसे को अपनी कस्टडी में लेती है, उसके बाद इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। जब्त किए गए पैसे को लेकर कई अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फ्रॉड या फिर अन्य आपराधिक मामलों में जांच, पूछताछ या फिर छापामारी करने और चल अचल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास छापा मारने का अधिकार होता है। इन एजेंसियों को जांच करने का तो अधिकार है, उसके दो अलग अलग प्रावधान हैं। एक तो वह की गिरफ्तारी और पूछताछ कर सकती है, वहीं दूसरा है कि संगठित मामले में सबूत इकट्ठा करने का को लेकर भी जो है वो छापामारी कर सकती है। ये एजेंसियां अलग अलग सूचनाओं के आधार पर छापामारी करती है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसी के यहाँ अगर एक बार छापा पड़ता है तो दोबारा नहीं पड़ेगा, बल्कि कई बार छापा पड़ सकता है। बता दें कि छापेमारी के दौरान जब सामानों का पंचनामा होता है, बता दें कि छापेमारी के दौरान पेपर, डॉक्यूमेंट, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे कि सोने, चांदी के गहने मिल सकते हैं। छापेमारी के दौरान हुए पंचनामे को जांच एजेंसी का आईओ या फिर जांच अधिकारी बनता है, जो इस दौरान दो स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर होता है। साथ ही साथ उस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। आपको बता दें कि जब सामान जब्त हो जाता है तो उसके बाद वह केस की संपत्ति मानी जाती है। अब आइए जान लेते हैं छापामारी के दौरान जब्त होने वाली संपत्ति का क्या होता है। तो सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या फिर कैश का पंचनामा किया जाता है। बता दें कि इस पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, नोटों की कितनी गड्डियां हैं। इसमें नोटों को भी दर्शाया जाता है। बता दें कि अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या फिर कुछ लिखा हुआ हो तो लिफाफे में कुछ हो तो उसे जाँच एजेंसी के पास जमा किया जाता है। बता दें कि यह सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर अदालत जब्ती का आदेश देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार कब्जा जमा सकती है। अगर यहाँ ईडी सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने में फेल हो जाती है तो वह पूरी संपत्ति उस व्यक्ति की हो सकती है। अगर ईडी के द्वारा जब्त किए गए सामान को अदालत में या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में लीगल साबित होता है तो जब्त किया गया सारा सामान आरोपी को वापस किया जा सकता है। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जब कोर्ट कुछ फाइन लगाकर आरोपी को संपत्ति लौटाने का भी मौका देती है। जांच एजेंसियाँ प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती है और फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो सरकार की हो जाती है या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है। तो यह पूरा मसला जो है जब ईडी की छापेमारी के बाद यह कोर्ट पे है और कोर्ट में जो है दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील देने का पूरा मौका दिया जाता है। उसके बाद उस संपत्ति को या तो आरोपी के पास जाना है या फिर सरकार अपने में अटैच कर लेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।